अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे ब्लॉग के अंदर। अच्छा जी, बात अब इस तरह है कि दिन बड़ा सख्त है और चाचा जूतियों वाला आ चुका है जी। इसने अपनी चारपाई के आगे चादर लगाई हुई है और मैं इसके पास गया और देखा जी कि ये जूती के ऊपर किल लगा रहा था। मैंने इसके साथ सलाम लिया, सलाम लेने के बाद इसने मेरा हाल पूछा और मैंने इसका हाल पूछा और इसने मेरे साथ गिला किया शादी के ऊपर जो मैंने इसे चावल नहीं खिलाए थे। अपना चाचा जी की यार है, जो भी जूतियों का काम होता है मरम्मत शरम्मत, चाचा मेरी जूतियों की मरम्मत करता है। चाचा बड़ा प्यारा है जी, अपने से मोहब्बत करता है, चाचे से हमारा दिल लगा हुआ, हमारे साथ वाले इलाके से याद है। चाचे ने फिर दोबारा मुझे आवाज़ दी और बोला कहाँ पे काम करते हो। मैंने चाचे को बताया मैं मालव सरगोदा में काम करता हूँ। चाचे ने बोला मेरा लड़का भी वेला फिरता है तो उसे भी कहीं ले जाओ। मैंने उसे बोला चाचा जी क्या तालीम है उसकी। चाचा जी ने बोला कि वो 9th मतलब कि अंडर मैट्रिक है। तो मैंने बोला चाचा जी अंडर मैट्रिक के लिए तो बिल्कुल कोई नहीं। मैंने बोला चाचा जी अगर मैट्रिक होता तो मैं ज़रूर कोशिश करता भाई को लगवाने के लिए। तो चाचा जी ने बोला, मैंने उसे बोला था पढ़ लो लेकिन वो नहीं पढ़ा। मैंने कहा चाचा जी उसकी मर्ज़ी। फिर मैं वहाँ से निकला और देखा जी अपने बाज़ार की तरफ। बाज़ार में मेरे एक रिक्शा खड़ा था जो कपड़ा भेज रहा था, साथ ही मेरा घर है जी। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया जब देखा बाज़ार बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ा हुआ है, लोग रोज़ा रख के सोए हुए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा। ये दो बच्चे तो बंक मार रहे थे, मैंने इनका हाल चाल पूछा, स्कूल कोई नहीं गए थे ये। फिर मैं आगे बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता, जब मैंने आगे जाके देखा कि हमारा चौंक आ गया। चौंक में मैंने अपना कैमरा बंद कर लिया। कैमरा बंद करने के बाद मैंने भला फिर क्या किया ये। इसके बाद मैंने चारों तरफ अपना कैमरा घुमाया वाइड एंगल के साथ, देखा कोई बंदा नहीं था चौंक में। और इसके बाद मैं जब मैं ये भाई के पास आया, ये अपनी मशहूर के साथ बातें कर रहे थे, मतलब कि टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे। तो मैंने इसका हाल चाल पूछा, मैंने इसे बोला कि भाई जान मुझे चाहिए अपने अकाउंट में 3000 रुपया, तो आप कर देंगे। भाई ने बोला कोई मसला नहीं, कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने इसकी दुकान की तरफ देखा, मैंने कहा चीज़ें तो अच्छी खासी लगी है लेकिन शक्ल तो ये चोर लगता है। फिर भी मैंने टेंशन ही ली, मैंने इसको बोला कर दोगे तो ठीक है। इसके बाद मैं वापस घर जा रहा, देखा माशाल्लाह हमारी मस्जिद बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने इसकी फिर एक वाइड एंगल के साथ वीडियो बना ली और ये आंटी जा रही है अपने काम के सिलसिले में उसी दुकान के ऊपर भाई जान। फिर मैं निकलता हुआ ऐसा ऐसा चलता गया अपने घर पहुँचने वाला ही था, तो मैंने एक और चीज़ देखी जो आप लोगों को दिखाना मैंने मुनासिब समझी, ये वाली चीज़। यहाँ पर अक्सर खोता बांधा होता था, वो आज है ही नहीं था गर्मी की वजह से, वो भी इन्होंने अपने छाँव कहीं घर अंदर ही बांध लिया था। और उसके बाद जी मैं घर अपने इंटर हो गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने देखा जी बिल्ली सामने मेरे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठी हुई थी। इसने लहदा मेरी जान खानी होती है, ये मेरा वेट कर रही थी कब आता और मुझे खुराक डालता। फिर मैंने इसकी खुराक डाली, फिर इसके बाद मैं ही अपने इस साइड पे आ गया जहाँ मैंने पौधे ही शोधे लगाए। और यहाँ पर मैंने घर अंदर आके देखा दरवाज़ा अपने कमरे में, तो फेसबुक का लोगो पड़ा हुआ था। ये मैं फेसबुक का लोगो लेके आया था 200 रुपये का, ये भी 200 रुपये का लेके आया था यूट्यूब का। फिर मैं इसके बाद कैमरे में अपनी शक्ल देखी, शक्ल मेरी बड़ी भैड़ी सी आ रही थी, मैंने कहा ऑफिशियल करवाना पड़ेगा इस चीज़ पर वीडियो। फिर उसके बाद टाइम देखा 8 बजने वाले थे और मेरे काम पे जाने का टाइम हो चुका था। बिल्ली फिर मेरी छत पे आ गई थी, बहुत तंग आ रही थी क्योंकि इसको छत पे नहीं लेके आना, ये भाग जाती है। तो फिर